गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो हमारी मैथ्स की लाइव क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को 5 डिजिट नंबर वाले एडिशन सिखाए थे विद कैरी एंड विदाउट कैरी, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दे रही हूँ। ये एक्सरसाइज आप अपने नोटबुक्स में गुड हैंडराइटिंग में प्रॉपरली करके रखेंगे, ठीक है। जब तक कि हमारी मैथ्स की नेक्स्ट क्लास नहीं होगी तब तक मैं आप लोगों को ये वर्क कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों को दोबारा रिवाइज करा देती हूँ कि हम कैसे करते हैं एडिशन, ठीक है। मैं आपको थोड़े क्वेश्चन करके बता दूंगी, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, ठीक है बेटा। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है। मैं आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा 52,446 प्लस 31,240, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को करनी है वो क्या करनी है, आपको यहाँ लिखना है कि ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है, ये थाउजेंड प्लेस है एंड ये 10,000 प्लेस है, ठीक है। ये आप लोगों को करना है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये 10,000 प्लेस है। आप देखो एडिशन कैसे करेंगे, 6 + 0 वंस वाले को वंस वाले से हम ऐड करेंगे, टेंस वालों को आपस में ऐड करेंगे, हंड्रेड को आपस में ऐसे ऐड करेंगे। अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस विदाउट कैरी वाले, ठीक है बेटा। देखो 6 + 0 इज 6, 4 + 4 इज 8, 4 + 2 इज 6, 2 + 1 इज 3, 5 + 3 इज 8, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 83,686, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला करते हैं, ठीक है। देखो वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस एंड 10,000 प्लेस, ओके। नाउ वंस प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे, 7 + 0 इज 7, में 0 प्लस किया यानी 7 में कुछ प्लस किया ही नहीं तो 7 ही बचा, ठीक है। तो 7, ठीक है। 0 + 2, 0 में 2 प्लस किया तो 2 ही रहेगा। 1 + 1 इज ऑल्सो 2, 5 + 2 इज 7 एंड 3 + 3 इज 6। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 67,227, ठीक है। ये देखो फर्स्ट पॉइंट में जितने आपके क्वेश्चंस थे ए से लेकर एच तक ये मैंने आपको बता दिए हैं और ये रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, ठीक है। मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी। नाउ सेकेंड नंबर, ठीक है। इसमें देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120, 1024 एंड 11,051। सेम जैसे हम करते हैं वैसे, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड प्लेस एंड ये थाउजेंड प्लेस, ठीक है। आप देखो वंस प्लेस वाले डिजिट को पहले ऐड करेंगे, 0 + 4 फोर, 4 + 1 फाइव, तो वंस प्लेस पे क्या आ गया, 5। नाउ 2 + 2 इज 4 एंड 4 + 5 इज 9, 1 + 0 1, देन 1 + 0 1, तो 1 को 0 से ही करना है तो यहाँ पे 1, ठीक है। नाउ 1 + 1 इज 2 एंड यहाँ पे 1 बाकी है तो यहाँ 1, ये हमारा 10,000 है, ठीक है। ये आप प्रॉपरली लिखिएगा बेटा, ठीक है। जब नोटबुक में करेंगे तो प्रॉपरली अपना वर्क कीजिएगा। आपको मैं एक और क्वेश्चन समझा देती हूँ, जैसे ये समझाती हूँ, ठीक है। इसमें सेम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000, ओके। नाउ 8 + 0 8, 8 + 1 9, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 0 + 9 9, 9 + 0 9, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 68,989, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सेकंड पॉइंट का भी मैंने आपके दो क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसमें भी मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता देती हूँ, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, ठीक है। देखिए अगेन वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000, ठीक है। ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड एंड ये 10,000, ओके। देखो
वंस प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे, 3+4 इज 7 एंड 7+1 इज 8, 8+0 इज 8 ओनली, ठीक है। 2+2 4, 4+3 7, ठीक है। 0+0 विल बी 0 एंड 0+2 विल बी 2, 1+1 2, 2+4 6, देन 1+1 विल बी 2। तो आंसर क्या है हमारा, 26,278, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये वाले सम है, ठीक है, ये फोर एंड फिफ्थ ये एक ही तरीके से होंगे, मैं आपको फिफ्थ वाला करके बता रही हूँ, फोर्थ आप खुद करिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है हमें, इसमें हमें बोला है फाइंड द सम ऑफ 22,341, 1,112, देन 14, 21 एंड 0, इसका हमें सम करके बताना है। तो देखो ये हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है, सबसे पहले हमें इन्हें कॉलम्स में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे देखिए, हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले क्या है, 22,341, तो हम लिखेंगे 22,341, ठीक है। फिर है हमारे पास 1,112, तो हम लिखेंगे 1,112, ठीक है। फिर है हमारे पास 14, देखो 0014, तो हम लिखेंगे 0014। फिर हमारे पास क्या है, 21, तो हमने लिख दिया 21। फिर हमारे पास है 0, तो हमने वंस प्लेस पे लिख दिया 0, ठीक है। इन सबको हमें क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, 1+2 3, 3+4 7, 7+1 8, 8+0 8 ही रहेगा, ठीक है। 4+1 5, 5+1 6, 6+2 8, तो यहाँ भी 8, 3+1 4, 2+1 3, और 2 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आया, 23,488, ठीक है। ऐसा ही आप फोर्थ क्वेश्चन का भी बनाएंगे। देखो कैसे बनाओगे, आप लिखोगे 10,000, 1,000, 100, 10s, 1s, ठीक है। फिर आप सबसे पहले क्या है, 90,000 है ना, तो हम 90,000 लिख देंगे, यहाँ लिख दिया हमने 90,000। फिर क्या है, 90, तो 9090। क्यों लिख रहे हैं हम 90 ऐसे, क्योंकि अगर मैं 90 पे लिखूं तो ये 90 का वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, तो हमने भी उसको 0 को वंस प्लेस पे लिखा और 9 को टेंस प्लेस पे लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ 9,000 है, तो इसका ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस और ये 1,000 प्लेस, ठीक है। तो 1,000 प्लेस पे क्या है, 9, तो मैं 1,000 प्लेस पे 9 लिख दूंगी। 100 प्लेस पे 0 है, तो हमने भी 100 प्लेस पे 0 लिखा। टेंस प्लेस पे भी 0 है, तो हमने टेंस प्लेस पे भी 0 लिख दिया और वंस प्लेस पे भी 0। और लास्ट में क्या है, 1, तो ये वंस कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, तो वंस प्लेस पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। और इसको मैं क्या कर लूँगी, एडिशन कर लूँगी। तो देखो 0,0,0 है, लास्ट में 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। 0+9 9, 9+0 भी 9 ही रहेगा। यहाँ 0,0 है, तो यहाँ भी 0 रहेगा। यहाँ 0+9 तो 9 रहेगा, और इस 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये 9 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, 99,091, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद देखो ये दोनों क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अब देखो इस 6 का ए मैं आपको करके बता रही हूँ, बी और सी आप खुद करेंगे, ठीक है। देखो ये क्या लिखा है, 61,211, और ये क्या है, 1,000, और ये क्या है, 20,000। तो सबसे पहले हम इसको फिगर्स में लिखेंगे और उसके बाद इनको ऐड करेंगे, ठीक है। फिगर में लिख के कॉलम बनाएंगे और फिर ऐड करेंगे। जैसे देखो 6 का ए मैं आपको बता रही हूँ, देखो 61,211, ठीक है। अब पहले लिख लो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड
10,000, ठीक है। फिर अब ये क्या है, 1,000, तो हम लिख देंगे 1,000। फिर क्या है, 20,000, तो हम लिख देंगे 20,000, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, ठीक है, 1 + 1 = 2, 6 + 2 = 8, तो आंसर क्या हो गया, 82,211, ये हमारा सम आ गया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। ये 6th क्वेश्चन यहाँ तक करने के बाद आप ये 7th क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। इसके PDF मैं आपको भेज दूंगी, उसमें अच्छी तरह से विजिबल होगा, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। सिंपल है, फाइंड द सम ऑफ, इसका सम निकालना है, 5,113 को प्लस करना है 1,999 से और 638 से। इनका कॉलम बना के ऐसे लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं, ऐसे कॉलम बना के लिखिएगा और ऐड कर दीजिएगा। सेकंड में है 8,999 को प्लस करना है किससे, 1,001 से, ठीक है। तो इसको भी आप कॉलम बनाएंगे और सिंपल एडिशन कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये वर्क आपको यहाँ तक कंप्लीट करके रखना है, इसकी मैं PDF आपको सेंड कर दूंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको ये पूरा वर्क अपनी फेयर नोटबुक में करके रखना है इन गुड हैंडराइटिंग, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के करवाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए बेटा टेक केयर एंड बाय।